ये नजारा है मेरठ के गांव सिसोली का, जहां पर बंदरों का आतंक इस कदर है कि वहां के रहने वाले नागरिक बंदरों के डर से अपने घर में कैद हो जाते हैं। यहां पर बंदरों की संख्या हजारों में हो चुकी है। कई बार बंदरों ने कई लोगों को काट लिया है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी तो नहीं, लेकिन बंदर आपको जरूर दिख जाएंगे। आपको बता दें, और इसी डर से स्कूल में अभिभावक अपने बच्चों को बड़ी ही मुश्किल से पढ़ाने के लिए भेजते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोनू तोमर, ये मौखास गांव से। मोनू तोमर जी, आपके गांव में बहुत ज्यादा बंदर है, आपको इन बंदरों से क्या दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के, ना तो बच्चों को ठीक से खाना खाने देते हैं, ना कोई नहा सकता है खुले में, ना कोई बैठ सकता है खुले में, ना कोई काम कर सकता है। यहाँ तक के ढोर जो पशु होते हैं वो चारा भी नहीं खा सकते खुले में, उसके लिए भी जाल लगाना पड़ रहा है। तो कुछ लोगों के काटा है? काफ़ी लोगों का काटा है गाँव में। लगभग कितने लोगों के? लगभग 20-25 लोगों का काटा है, उसमें एक दो की तो डेथ भी हो गई जो छत वगैरह पर से गिरे हैं पिछले टाइम, लगभग एक दो साल पहले। अभी तक आपने कोई शिकायत या उचित अधिकारी को कोई सूचना दी? काफ़ी शिकायत करी है, जिला अधिकारी से भी शिकायत करी है, और इधर उधर भी काफ़ी शिकायत करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सर, आपका नाम क्या है? मेरा मिस्टर शिव कुमार जैनवाल, मानव एकता संघ से, मैं केंद्रीय सचिव। सर, आपका जो आपके गांव में जो बंदर हैं उनसे आपको क्या दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, यहाँ तो आए दिन जो है मेरी सुनने के लिए आ रहा है, इतना उत्पात है इस गांव के अंदर, इतने बच्चे परेशान हैं, यहाँ पे माता बहनें इतनी परेशान हैं, आए दिन यहाँ से ये लोग अपने वस्त्र सुखाते हैं जाके ऊपर मकानों के, ये उठा ले जाते हैं, उन्हें फाड़ देते हैं। गरीब आदमी के लिए ये बहुत बड़ी बात है, वो अपना गुजारा करता है मेहनत मजदूरी से। कपड़ा बहुत महंगा है इस टाइम में, कपड़ा और खाना, और खाना यहाँ पे बहन बेटियाँ बनाती हैं। आए दिन ये उनके खाना बनाते समय इतना उत्पात है, छतों से कूदते हैं, खाना उठा करके रोटियाँ ले जाते हैं, और रोटियों के साथ साथ में वो उनको डांटती हैं, तो डांटने के साथ साथ में वो उन पर हमला करते हैं। मैं सुनने में ये आ रहा है कि कल भी मेरे सामने एक घटना हुई है इसी ग्राम सिसोली गांव में, एक बच्ची को काट लिया गया है। अब उससे पहले एक रोज़ और मैंने सुना, यहाँ पे आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, इतना उत्पात है। देखिएगा, मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इनको। अब तक कितने लोगों के काटा है सर? देखिए, अनगिनती है यहाँ पे, मैंने सुनता हूँ, आए दिन आती रहती है। अब तक आपने किसी को शिकायत करी? हाँ, गाँव लोगों ने काफ़ी शिकायत करी है, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने करी शिकायत। ठीक है।